हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष अरोड़ा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में जेटीएच हूँ और मेरे साथ विमल सर खड़े हैं, वो आरटीएच है, पूरे बिहार को देखते हैं। और मेरे साथ माई दीक्षा के ब्रांच आईबीसी मैनेजर हर्ष खड़े हैं और पूरी आईबीसी की टीम खड़ी है। जिन लोगों ने ये वाटर पार्क थीम पार्क में आना कमाया है, ये कैसे कमाया है, हमने लास्ट महीने में टारगेट दिया था, इन लोगों ने वो टारगेट अचीव किया और आज हम वाटर पार्क में आए हैं। इन सारी आईपीसी की टीम के साथ वाटर पार्क में आए हैं और एक टारगेट हम ये लेके आए हैं कि इस वाटर पार्क में आने में जो हमने मेहनत की थी, इस वाटर पार्क से जाके हम डबल मेहनत करेंगे, ट्रिपल मेहनत करेंगे और 2x 3x तक रेवेन्यू लेके जाएंगे। जो भी रेवेन्यू हमने कमाया है, सही कह रहा हूँ ना मैं? Yes! जो भी रेवेन्यू हमने कमाया है उससे डबल और ट्रिपल रेवेन्यू कमाने वाले हैं। विमल सर, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हमने वो सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। माई दीक्षा ब्रांच जो है पटना का हमारा दूसरा ब्रांच है और इस दूसरा ब्रांच बहुत पुराना ब्रांच है। 3 साल से हम अपने सारे टारगेट अचीव करते आए हैं और हमारे सारे चैंपियन आईबीसी, ये देखिए श्रीकांत है यहाँ पर, श्रीकांत है वहाँ, राजू दिख रहे होंगे आपको, सारे के सारे शंभू सर है, जितने भी सारे उधर प्रिंस हमारे आईबीसी मैनेजर है माई दीक्षा ब्रांच के, और आगे भी कई सारे टारगेट्स हम अपने अचीव करते रहेंगे। नई ऊंचाइयों को छूने का सारा प्रयास कर रहे हैं हम लोग और हर ऊंचाई छूते जा रहे हैं। तो आप सब विश करिए इनका 2x 3x 4x 5x ग्रोथ का विश करिए और हम नेक्स्ट टाइम फिर एक और अच्छी जगह पे जाएंगे और बड़ी जगह पे जाएंगे और माई दीक्षा ब्रांच को हमें कम से कम 1 करोड़ की ब्रांच बनाना है। सही कह रहा हूँ ना हर्ष सर? एक विजन, एक बड़ा पर्पस, एक महान लक्ष्य, वहीं से बिजनेस की शुरुआत होती है। और मेरा भी एक मेरा पर्पस क्या है, हर पर्सन को पर्पस देना। मेरा विजन क्या है, हर इंसान को विजन देना। मैं बातें करके सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बल्कि लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहता था। मेरे वेबिनार से मैं अपना गल्ला भरना नहीं बल्कि सबका भल्ला करना चाहता था। गल्ला नहीं, भल्ला। हाँ, आपका भला करने के लिए आज आप मेरे साथ रहना। कंपनीज ने हर दरवाजे तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाया, यूनिलीवर ने हर दरवाजे तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाया, लेकिन मैंने हर घर को नए अवसर का दरवाज़ा दिखाया और आपको आज कहीं नए अवसर का दरवाज़ा दिखाऊंगा।